मौजूद सामईन तिलावत कलाम पाक से महफिल का आगाज हो चुका, महफिल को कामयाबी की जमानत मिल चुकी। अब आइए खैरुल कलाम के बाद खैरुल अनाम की बारगाह में चले। नाते पाक का हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एक हसीन गुलदस्ता पेश करने के लिए हमारी फहरिस्त में तीन शायर मौजूद हैं बयक वक्त, और माशाल्लाह मैं फर्दन फर्दन एक एक करके मैं उन तक पहुंचने की जसारत करूंगा। वक्त की किल्लत दामनगीर है, इसलिए वक्त मुकर्ररीन पे भी और शोरा पे भी दे दी गई है। मैं बड़े अदब के साथ अरशद साकिब बज़मी नाथ पट्टी से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाए, और मुझे उम्मीद है कि 5 मिनट का आपको वक्त दिया गया है, 5 घंटे की शायरी जरूर आप सुनाएंगे। माइक पर अरशद साकिब। मौजा सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। माशाल्लाह आज की ये खूबसूरत महफिल हाफिज मुस्तकीम साहब की दावत पे ये मेरी हाजिरी हुई है। माशाल्लाह डाइस पे नकीब हिंदुस्तान मेरे बड़े भाई मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब तशरीफ फरमा हैं, और जिनको देखकर सुनकर शायरी का जौक व शौक हुआ। मेरे बहुत ही मोहतरम शायर हिंदुस्तान बड़े भाई कारी ताबिश रेहान साहब मौनाथ भंजन वो भी तशरीफ फरमा हैं, और शायर इस्लाम बड़े भाई आफ्ताब रहबर साहब कलकत्ता भी वो भी तशरीफ फरमा हैं, और इलाके के बहुत ही मुअज्जज शख्सियत काजी शरीयत जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती काजी रिजवान साहब अल-मज़ाहिरी दामत बरकातुहुमुल आलिया वो भी तशरीफ फरमा है। मुझे 5 मिनट का वक्त दिया गया है, आइए सदरे जलसा से इजाजत लेते हुए जी एक मतला और चंद शेर मैं पेश करता हूँ बतौर खास मुलाहिज़ा फरमा लें। सुने न ते सरे कार से हरे दम महबत कीजिए, हर दम महबत कीजिए। सुनते हाँ सुनते सरे कार से हरे दम दम महबत कीजिए, हर दम महबत कीजिए। के आमिना के लाल, आमिना के लाल की, आमिना के लाल की, खुल कर दावत कीजिए। खुल करे ताअत कीजिए, खुल करे ताअत कीजिए। और ये भी शेर बतौर खास मुलाहिज़ा फरमा आता है कि जिस जगह जिक्रे खुदा मुस्तफा की बात हो, मुस्तफा की बात हो, जिस जगह जिक्रे खुदा रे मुस्तफा की बात हो, मुस्तफा की बात हो, के दोस्त आप शिरकत। जज़ाकअल्लाह, सदरे जलसा की दुआएं मुझे मिल गई माशाल्लाह। मैं पेश करता हूँ मुलाहिज़ा फरमा लें। जिस जगह ज़िक्रे खुदा मुस्तफा की बात हो,
मुस्तफा की बात हो के दोस्तों मजलिसों में आप शिरकत कीजिए, आप शिरकत कीजिए। और ये भी शेर हम सब की ये ख्वाहिश, हम सब की ये आरजू, ये तमन्ना है कि काश कभी ख्वाब में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हो जाए। इंशाअल्लाह दीदार होगा, उसके लिए हमें और आपको क्या करना है बतौर खास मुलाहिज़ा फरमाएं। ताबिशा हो आपकी तवज्जो, मुलाहिज़ा फरमाएं कि एक दिन दीदार आका आपको होगा नसीब। कहिए इंशाअल्लाह कीजिए कि देखना देखना एक दिन मोहब्बत खींच कर ले जाएगी, खींच कर ले जाएगी। बहुत शुक्रिया जज़ाकअल्लाह। कि देखना देखना एक मोहब्बत खींच कर ले जाएगी, खींच कर ले जाएगी के बस मदीने की। क्या बात है, बस मदीने की दुआ में, बस मदीने की दुआ में रब से चाहत कीजिए। सुभान अल्लाह, रब से चाहत कीजिए, रब से चाहत कीजिए। माशाल्लाह, कन्वेनर जलसा और मुखिया जी ने अपनी दुआओं से नवाजा, बहुत शुक्रिया। पेश करता हूँ मुलाहिज़ा फरमा के सुनते हाँ सुनते सरे कार से हरे दम मोहब्बत कीजिए। और मक्ता दुआओं के साथ मुलाहिज़ा फरमा लें, इसके बाद मैं अपनी जगह ले लूंगा कि अर्श पर हाँ। अब तो बोलिए सुभान अल्लाह के अर्श पर हाँ अर्श पर सा टिप गए मौला के जो मेहमान बने, मौला के जो मेहमान बने अर्श पर हाँ अर्श पर सा टिप गए मौला के जो जो मेहमान बने के ऐसे महबूबे ऐसे महबूबे खुदा की ऐसे महबूबे खुदा की जब के मिट हट कीजिए, ऐसे महबूबे जम के मिदहत कीजिए,
चमके मिदहत कीजिए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।